हेलो सिबल, क्या कर रहे हो आप? मैगी खा रही हूँ। आप मैगी खा रहे हो? किसने बनाए हैं? वाओ, यम्मी यम्मी। आपको भूख लग रही थी? और ये क्या देख रहे हो? दिखाओ मम्मा को। अच्छा चलो आप ये खा लो। और हॉट है, चलो अभी ठंडे हो जाएंगे। और ये बैठी हैं सिबल, और सिबल इंजॉय कर रही हैं नूडल्स, क्योंकि सिबल को लगी थी भूख। तो जैसे कि सिलेंडर का फ़ायदा है, हमने फटाफट सिलेंडर ऑन किया और सिबल को बना के दिए नूडल्स। और अभी हम बना रहे हैं चाय। तो आप ये देख सकते हैं ट्री, कितना खूबसूरत लग रहा है, ये देखें। और ये आए हैं बिस्किट, अभी हम पीने लगे हैं चाय। अच्छा जी, शौनमित कह रही मैरी गुड, मुझे पढ़ना नहीं आ रहा था। अभी ये हैं बिस्किट और अभी हम पीने लगे हैं चाय। तो जिस जिसको चाय पीने आ जाए, सिलेंडर ऑन है। अब तो दावत मैं आपको दूंगी, जब दिल चाय आ जाए और खा लें बिस्किट्स, चाय बिस्किट्स चाय। तो चले अभी हम पीते हैं चाय, और देख सकते हैं बन रही है चाय। और ये देखिए, सिलेंडर का ये मसला काले हो जाते हैं, क्योंकि इसकी नोज़ल है बड़ी और सिलेंडर की नोज़ल बारीक है। हस्बैंड जी कहते हैं इस वजह से ये काले हो जाते हैं। चलो कोई बात नहीं, हमें तो गैस मिल रहा है, मैं धो लेती हूँ। हाथ मेरे काले हो जाते हैं, कोई बात नहीं भाई, बच्चों की खुशी के लिए हाथ भी काले कर लेंगे। शॉल में डाल दो दूध, शॉल में दूध डाल रही हैं। और जेनेडा सिबल की आवाज़ आ रही है ना, जेनेडा सिबल से नूडल्स ठग रही है। रात को जेनेडा ने चीनी वाला पराठा बनवाया था भाई, उसका बचपन याद आ गया था। बचपन में जेनेडा ने चीनी वाले पराठे इतने ज़्यादा खाए ना, मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। किस किस को चाय पीनी है गाइस, आ जाए। ये मेरे घर में आग है, जिस जिसको आग भी लेनी है ले लो। मेरे घर में सिलेंडर ऑन है, गैस क्यों ले लें, हमारी फिर गैस कम हो जाएगी। आग ले लो और चलिए चाय पीते हैं, इंजॉय करते हैं। आप हमारे साथ ही बन, और ये चाय को लग गई है फेंटी। और बताना आप लोग किस किस को चीनी वाला परांठा पसंद है, आप लोग तो बताते नहीं है जो पूछा जाता है। तो प्लीज़ बातें शेयर किया करें, हमें अच्छा लगता है जब हम कमेंट्स पढ़ते हैं ना, हमें बहुत अच्छा लगता है। और ये बन गई चाय, तो चले मिलते हैं हम आपसे ब्रेक के बाद। आज मैं बनाने लगी मछली का सालन, इन्जॉय करेंगे, सर्दियाँ ना ज़्यादा मज़ा आएगा। यम्मी, देख सकते हैं ये मैं किसी दुकान में नहीं खड़ी, ये मेरा डाइनिंग टेबल है, और डाइनिंग टेबल पे मैंने रखी हैं चीज़ें। और चीज़ें क्या हैं? मूलियाँ। मैं बनाऊंगी मूली के परांठे, और ये हरी प्याज, हरी मिर्ची और धनिया। तो इनके जो ये वाले पत्ते हैं ये मैं निकाल दूंगी, और जो छोटे छोटे पत्ते होते हैं वो भी मैं इसके अंदर डालूंगी। तो आपने मेरे साथ ही रहना, अभी मैं इसको कटिंग करूँगी। कटिंग करने के बाद इसको हम करेंगे कद्दूकस। सिबल क्यों हाथ कर रही है, आप हट जाओ। और ये देख सकते हैं आज बनेंगे मूली के परांठे, मूली के परांठे। और जेनेडा को तो कोई चीज़ ही नहीं पसंद है, बस चिकन इसको खिलाते रहो तो बस खुश है। और ये बैठी है अम्मी। अम्मी, अम्मी हेलो करो। हेलो, ये अम्मी है मेरी सासू माँ है, और ये बनाएंगी मेरे साथ मूली, काट के मुझे देंगे और मैं करूँगी कद्दूकस। मुझे साग भी बनाना है, अदरवाइज मुझे साग क्या मसला है, मुझे साग काटना आता है बनाना नहीं आता। अम्मी मुझे बना बना के देती हैं, मतलब कि पत्तों की पहचान नहीं है। तो जब मैं अपने मायके में थी तब भी मुझे मेरी अम्मी थी वो मतलब कि बनाती थी और मैं काटती थी। तो यहाँ पर भी मामा ही करती हैं, मतलब कि चुनती हैं पत्तों को और मैं कटिंग करती हूँ। तो जिस दिन मैं साग बनाऊँगी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। और ये देख सकते हैं मूलियाँ, तो अब मूलियों की होने लगी है कटिंग। आपने हमारे साथ ही रहने, जब करूँगी मैं कद्दूकस तो फिर आपको मैं दिखाऊंगी। हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद करती हूँ कि आप लोग खैरियत से हैं, और मैं भी खैरियत से हूँ। खुश रहें, खुशियाँ बांटते रहें, खुशियाँ समेटते रहें, बिल्कुल मेरी तरह। और आज भी देखो, जैसे मैंने बताया था कि आज भी लाइट बिल्कुल नहीं है, तो गैस तो होता ही नहीं है। वो तो मेहरबानी है हस्बैंड जी की, जो कि मुझे सिलेंडर ला के दे दिए, हमारी मुश्किलें परेशानियाँ आसान कर दी है। तो आज मैं बनाने लगी मूली के पराठे, जिस जिससे खाने वो आ जाए। आप लोगों को दावत है, क्योंकि गैस की तो प्रॉब्लम हर घर में है, मेरी मुश्किल आसान। और मैं बनाऊंगी गाजर का हलवा, और मैं बनाऊंगी लेट नाइट,
क्योंकि तब गैस होती है, इस सिलेंडर की गैस से कोई मजा नहीं आता खाना खाने का, कसम से है तो सही लेकिन खाने का टेस्ट नहीं होता है। जो मजा गैस जो आती है हुकूमत की तरफ से, उसमें जो मजा है। चलो छोड़ो ये हुकूमत की बातें, गैस बिजली लाइट, हमें तो फख्र होना चाहिए, हम पाकिस्तानी हैं और हम इन मसलों में पड़े हुए हैं, हमें फख्र है अपने पाकिस्तान पे। तो ठीक है, आज की वीडियो शुरू करती हूँ और अभी मैं अब करूँगी मूली कद्दूकस। तो आपने मेरे साथ ही रहना, मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और आज लड़ाई होने वाली है मेरी और जुनैदा की, क्योंकि कल बनाई थी मछली जो कि जुनैदा को बिल्कुल पसंद है, रात को भी लड़ाई हुई थी और आज भी लड़ाई होने वाली है। आज हम बना ले मेरे परांठे और जो कि लेना जुनैदा ने मेरे साथ, इसके साथ हर दफा यही होता है, हर चीज़ खानी चाहिए ना, हर मौसम में हर चीज़ इंजॉय करनी चाहिए। हम तो हर मौसम में हर चीज़ इंजॉय करते हैं, शुरू में भी अपने मायके में भी कभी वो नहीं करते थे, नहीं नहीं ये नहीं वो नहीं, नहीं वो मूली का टेस्ट बहुत गंदा आता है ऐसे ना, वो मिर्ची लगती है, मिर्ची मिर्ची लगती है। जब मैं बनाऊंगी तो ज्यादा ज्यादा टेस्ट आ जाएगा, ज्यादा टेस्ट बन, इसको पता भी है जब मैं चीज जब बनाती हूँ वो उसका जायका कुछ और ही हो जाता है। तो ठीक है, बातें तो चलती रहेंगी, आप लोगों ने मेरे साथ ही बने रहना, मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं ब्रेक के बाद। जी फ्रेंड्स, ये है मेरी मशीन, इससे मैं बनाती हूँ गाजर का हलवा और इससे करूँगी भी मूली कद्दूकस। और अदरवाइज मेरे पास ये भी है, इससे मैं ओनियन करती हूँ सर पे लगाने के लिए। और इसके अलावा बड़ा वाला भी है कद्दूकस, मुझे इतना बड़ा लगता है लेकिन हम लोग इसमें करते हैं, बहुत इजी हो जाते हैं। और ये देख सकते हैं, ये मेरे सुसर जी लाए थे और ये देखिए, इससे हर काम आसानी से हो जाता है। ये देखिए, आप देख रहे हैं ना, हर साइज़ का, अगर आपने बड़ा बड़ा साइज़ रखना है तो ये है। और इससे पोटैटो वगैरह हम लोग कर लेते हैं, तो इसके तीन प्लेट हैं, जो भी आपने यूज़ करना आप कर सकते हैं। तो पहले इसमें कटिंग करके डालते हैं छोटा छोटा करके, फिर उसके बाद इसको चलाते हैं। वैसे भी हाथ दर्द होते हैं, ऐसे भी हाथ दर्द होते हैं, ये हैंड बीटर है, इलेक्ट्रिक बीटर नहीं है। तो आप लोगों ने मेरे साथ ही रहना है, आस्ता आस्ता मैं तैयारी कर रही हूँ, तो जैसे बन जाएंगे मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो चलते हैं ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद। जी फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं मैंने मूलियाँ कद्दूकस कर ली थी, उसके बाद मैंने हरी प्याज, हरी मिर्चें और धनिया और अदरक लहसुन हल्का हल्का बारीक काट के बीच में डाल दिया था, और लाल मिर्चें और रेड सीड्स भी डाल दिए थे। और ये बिल्कुल डन हो चुकी हैं, हल्का सा मैंने इन्हें सेक लगाया था। और अब ये अभी हम नहीं बनाएंगे, हम बनाएंगे सुबह नाश्ते में, जो कि बहुत ही मज़ा आने वाला है, आपके साथ मैं शेयर करूँगी। तो हस्बैंड जी भी आ चुके हैं। हाय गाइस, क्या हाल है, उम्मीद करते हैं आप ठीक होंगे और खुश होंगे। जी बिल्कुल, तो मूली के परांठे सुबह बनेंगे और ये हस्बैंड जी के बहुत ही फेवरेट है, तो आपने हमारे साथ ही बने रहना है, मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो को फुल वॉच किया करें। और इसी के साथ हम आपसे इजाज़त चाहेंगे। और जिस जिसने ये खाना है, बच्चे खा चुके हैं, ख़त्म हो गया है, तो ये भी मेरे हिस्से का और मामा के हिस्से का। सिबल भी पड़ रही है कुछ बिला वजह। अच्छा जी, तो आप हमारे चैनल को क्या करना है, शेयर करना है और लाइक करना है और सब्सक्राइब करना है और वीडियो को फुल वॉच करना है। तो हमारे साथ ही बने रहें, खुश रहें, आबाद रहें, मुस्कुराते रहें, खुशियाँ बांटते रहें, खुशियाँ समेटते रहें। इसी के साथ आपसे इजाज़त चाहेंगे, बाय।